हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप एवरीवन इज़ डूइंग साउंड एंड सेम। आज मैं आपके लिए पालक पनीर की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच और टेस्टी रेसिपी है और ये बहुत ही झटपट बन जाती है और बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको बताऊँगी और ख़ास तौर पर बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे। अक्सर बच्चे पालक के नाम से दूर भागते हैं, लेकिन पालक पनीर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा उनको, यकीन। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो इसमें आपका कलर बहुत अच्छा आएगा पालक पनीर का और ये बिल्कुल डार्क ग्रीन नहीं बनेगी। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 200 ग्राम पनीर थोड़ा पानी में भिगा दिया, इससे पनीर बहुत सॉफ्ट बनता है। मैंने 2 कट्टे पालक लिए हैं और 3 से 4 हरी मिर्ची और थोड़े कोरिएंडर लीव्स लिए हैं। इसे हम प्यूरी कर लेंगे। और 1 बड़ा अनियन फाइनली चॉप करके रखा है। हम थोड़ी फ्रेश क्रीम और 1 कप मिल्क लेंगे। मिल्क अगर आपको थोड़ा सा लाइट ग्रीन चाहिए तो आप अपने हिसाब से बाद में ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और मैं 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लूँगी। सबसे पहले हम पालक को बॉईल कर लेंगे जब तक कि ये मुरझा ना जाए। पालक में एक उबाल आ जाए तो उसका पानी ड्रेन ऑफ करके उसे स्क्वीज कर लीजिए और इसे मिक्सर जार में डाल दीजिए, क्योंकि इसकी अब हम प्यूरी बनाएंगे। यहाँ पे अब हम डालेंगे हरी मिर्चियाँ और जो कोरिएंडर लीव्स हैं वो। इसका एक फाइन पेस्ट बना लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा पेस्ट बना है वो थोड़ा सा दरदरा है, तो इसे और स्मूथ करने के लिए मैं थोड़ा मिल्क डाल के इसे और फाइन पेस्ट में कर लूँगी। ये देखिए, मेरी ग्रेवी के लिए जो प्यूरी है वो बिल्कुल रेडी है। ये कंसिस्टेंसी की आपकी प्यूरी होनी चाहिए। अब हम एक पैन में तेल गरम करके इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। जब ज़ीरा थोड़ा सा स्प्लटर करने लगे उसके बाद हम इसमें अनियंस डाल के अच्छे से सॉटे करेंगे। यहाँ पे हमको अनियंस को अच्छे तरीके से पकाना है जब तक कि वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर ना हो जाए, क्योंकि ग्रेवीज़ में एक्चुअली जो आपका अनियन होता है वो बहुत अच्छे से घुल जाना चाहिए ताकि वो मुँह में ना आए। और जब हम प्यूरी डालेंगे तो आपका जो अनियन का टेस्ट है वो बिल्कुल आना नहीं चाहिए। इसमें आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी इसे अच्छी तरीके से पका लीजिए। नमक हम शुरू में इसलिए डालते हैं ताकि जो उसका अनियंस का जो वाटर है वो रिलीज़ हो जाए और वो ज़्यादा अच्छी तरीके से जल्दी पके। हमारे अनियंस काफ़ी हद तक के पक चुके हैं, तब हम प्यूरी डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर देखिए कितना प्यारा ग्रीन कलर है। अगर आप यहाँ पे इस दौरान अगर टमाटर डालते हैं तो इसका ग्रेवी का कलर बिल्कुल डार्क ग्रीन हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। और मैंने क्या किया है, मैंने जो आपका मिक्सर जार है जिसमें आपने प्यूरी बनाई थी उसी में मैंने मिल्क डाल के ब्लेंड करके इसे मैं ग्रेवी में ऐड करूँगी। और जो हमारा बचा हुआ मिल्क और क्रीम है उसे भी हम इसी स्टेज पर ऐड करेंगे। और जो पनीर है, आधा पनीर आप इसमें ऐड कर लीजिए, आधा गार्निशिंग के लिए रखिए। तकरीबन 5 से 10 मिनट पकाने के बाद आप इसमें चाहे तो गरम मसाला डाल सकते हैं और नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसे आप थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ होए तक के पका लीजिए। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत झटपट बन जाती है और आपकी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। इसे आप सर्व कर लीजिए। ये आप रोटी, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं और ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही इजी तरीके से बनाई है मैंने ये पालक पनीर की रेसिपी। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो मुझे टैग करना ना भूलिए। गार्निश करिए इसे फ्रेश क्रीम के साथ, या फिर पनीर जो आपने थोड़ा सा उठा के रख लीजिए और वो पनीर आप क्रम्बल करके इसे ऊपर से डालिए, ये बहुत ही लजीज बनेगा और जो आपका पनीर है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए क्योंकि बहुत ही जल्दी बनती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो फिर मिलते एक बेहतरीन रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।